Next question, uh, question says a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro uh, like a simple harmonic oscillator. Uh, सवाल ये है द एक्सले हमें दिया हुआ है कि एक्सेलेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन सवाल है टाइम पीरियड ऑफ द ऑसेलेसन क्या होएगा हमारे ऑप्शन है टू पाए या फिर पाए या फिर टू सेकेंड या फिर वन सेकेंड और बहुत सिंपल सवाल है बेसिक्स और यहाँ पे अगर, अगर अपने फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आसानी से थर्टी सेकेंड का सवाल है अपने को ये दिया हुआ है कि एक्सेलेशन जो आपका अपने को ये पता है के कोई भी एक्स पार्टिकल जो एस एच एम कर रहा है उसका एक्सलेशन हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स ये इसका मैग्नीट्यूड एक्स उसकी लोकेशन है उसका डिस्टेंस है मीन पोजिशन से ये अपने को यहाँ पे वैल्यू जो है ये दी हुई है ट्वेंटी सो so, ये दिया हुआ है ट्वेंटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लोकेशन आपकी फाइव मीटर दी हुई है विच इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई ट्वेंटी बाय फाइव और ओमेगा की वैल्यू हो गई इसका अंडर रूट ना ट्वेंटी बाय फाइव करेंगे तो ये फोर आएगा फोर का अंडर रूट हो जाएगा टू बे ओमेगा हो गया टू रेडियन पर सेकेंड ना अपने को पता है टाइम पीरियड जो है उसको हम लिखते हैं टू पाए बाय ओमेगा टू की वैल्यू रखेंगे सो ये हो गया टू पाए बाय टू यानी कि पाए सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस आ, हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में टाइम पीरियड होएगा आपका आ, पाए सेकेंड्स सो ऑप्शन नंबर बी पाए सेकेंड वुड बी द राइट आंसर